तो ये क्वेश्चन है, अभी एक बच्चे ने पूछा था डाउट क्लास में आज के, साइन साइन एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टैन डी वाई बाई डी एक्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स प्रूफ करना था। अभी हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे थे, बीच में अटक गया, इस वजह से लाइव नहीं हो पाया, तो मैं इसको शूट करके बेसिकली भेज दे रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन बना लिया इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। मैं लाइव क्लासेस के दौरान में ही इसको बनाया था, बट वो बीच में अटक गया इसलिए आपको तक पहुंच नहीं पाएगा, बट हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा। वाई बराबर साइन साइन एक्स दिया होता बाबू, तो हमने क्या किया इसको साइन साइन एक्स को चेन रूल पे तोड़ दिया, साइन का कॉस और साइन का क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद इसको डबल डिफरेंशिएट किया यू इंटू वी पे, कॉस साइन एक्स को छोड़ दिया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमने कॉस एक्स को छोड़ दिया, कॉस साइन एक्स का, कॉस का माइनस साइन, साइन एक्स अंदर जैसे वैसे रहेगा, और फिर अंदर वाले साइन का क्या हो गया कॉस, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन चेन रूल पे। अब हमने क्या किया, यहां से कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, और साइन साइन एक्स जो था वो वाई के बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वाई लिख दिया, तो वहां से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमको आंसर में वाई लाना है, ये नहीं लाना है, तो जो आंसर में लाना है उसको रिप्लेस करते हैं, तो वाई लिख दिया हमने। और यहां पर जो कॉस साइन एक्स है, ये कॉस साइन एक्स को लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स बटा कॉस एक्स यहां से, क्योंकि हमको यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स लाना है, तो dy by dx कैसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे कैसे रिप्लेस करेंगे, ऊपर में जो दिया हुआ है cos sin x, इसमें 1 by cos यहाँ लिख देंगे, तो 1 बटा cos, 1 बटा cos x dy by dx, इसकी जगह पे cos sin x की जगह पे। अब देखिए sin बटा cos क्या हो गया tan, इक्वल टू इधर आ गया तो प्लस हो गया tan x dy by dx, माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इधर आ गया तो प्लस कॉस वाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। इस तरह से ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन नंबर 10 एक बच्ची ने पूछा था, उसका ये सॉल्यूशन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 11। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल के लाइव क्लास में बताया था, बट थोड़ा वीडियो अटकने की वजह से दिक्कत हो गया था, खैर फिर से मैं बता रहा हूँ। वाई कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन log x, prove that x square y2 plus x y1 plus y बराबर जीरो। ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2009 में ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है, समझा जाए। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, समझिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले dy by dx एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसको एक बार dy by dx करते हैं उसको y1 दिखाते हैं, क्या इसके दिखाते हैं y1 से, तो ये y1 हो गया, y1 क्या हो गया a cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x, cos का क्या हो गया जी माइनस साइन log x, और log x का क्या हो गया 1 by x, जानते हैं आप लोग, इसको चेन रूल पे तोड़ेंगे ना, कॉस लॉग एक्स को सबसे पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कॉस के अंदर जो है, फिर लॉग एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस का माइनस साइन और लॉग का वन बाई एक्स, ठीक है। इसी तरह से सेम तरीके से यहां भी होगा, बी जैसे वैसे रहेगा, साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा जी कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा वन बाई एक्स। बच्चा मेरा, अगर नीचे कुछ एलसीएम बच जाए, ठीक है, नीचे में कुछ बच जाए, एक से एक बचा हुआ है, तो इसको एलसीएम लेके यहाँ भेज दीजिए, सबसे आसान तरीका बनाने का, एलसीएम लेके क्या करेंगे यहाँ भेज देंगे। अब यहाँ से एलसीएम क्या होगा, एक्स, एक्स यहाँ का मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू वाई वन बराबर माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये यू इंटू वी पे तोड़ेंगे, किस पे तोड़ेंगे, यू इंटू वी पे एक्स को छोड़ देंगे, y1 का क्या होता है बाबू y2, y1 मतलब dy by dx एक बार डिफरेंशिएट हुआ, y2 मतलब दो बार डिफरेंशिएट हुआ, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो ये y2 हो गया, प्लस y1 को छोड़ देंगे, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बराबर, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमने डबल डिफरेंशिएट करा था, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ए जैसे वैसे रहेगा, साइन का क्या होता है कॉस लॉग एक्स, और log x का क्या होता है बाबू 1 by x, है ना, फिर प्लस b cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x, ठीक है, और log x का क्या है 1 by x, ठीक है। अब इसको फिर से x को LCM लेके इधर फेंक देंगे, तो जब x को इधर से LCM लेके इधर फेंकिएगा तो x फिर से यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर y2, इसमें मल्टीप्लाई होगा x y1 बराबर,
इन दोनों में से देखिए तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं आप, माइनस कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अब बाबू मेरा ये किसके बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ वही चीज है ये, तो ये वाई के बराबर है, तो इसके जगह पे लिख देंगे वाई प्लस एक्स वाई वन माइनस माइनस वाई, जब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर जीरो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, ये भी एक बच्ची ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बोला है कि y बराबर दिया हुआ है e का पावर tan x, प्रूफ कीजिए cos स्क्वायर x b स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2x dy बाई डी एक्स बराबर जीरो। ये ठीक है, cos स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, बच्चा समझिएगा बढ़िया से, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, बोला इसको प्रूफ करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे बाबू, ये जो मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन y बराबर e का पावर tan x, बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत बहुत आसान है, समझिए। जब इसको आप dy by dx कीजिएगा e का पावर tan x, तो e का पावर tan x ही रहेगा बाबू, चेंज नहीं होता एक्सपोनेंशियल e का पावर tan x, और फिर tan x का क्या होगा, tan x का होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो dy by dx यहां से देखिए e का पावर tan x किसके बराबर है, y के बराबर है, देखिए तो e का पावर tan x किसके बराबर है, y के बराबर, और ये जो है ये sec स्क्वायर x, इस sec स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर x, है ना, sec स्क्वायर x 1 by cos, ये y, ये cos स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो cos स्क्वायर x dy by dx बराबर क्या बच जाएगा, y बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, मैंने बोला हमेशा जो नीचे रहे उसको आगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम इसको u into v पे तोड़ेंगे, सबसे पहले cos square x को छोड़ देंगे, dy by dx का क्या होता है d square y by dx square, फिर प्लस dy by dx को छोड़ देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos square का डिफरेंशिएशन बाबू पहले 2 आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक, cos में एक पावर घट जाएगा, cos x हो जाएगा, फिर cos x का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, और dy by dx को जैसे वैसे रहे, देखो हमने u into v पे तोड़ा है, cos स्क्वायर को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर dy by dx को छोड़ दिया और इसको डिफरेंशिएट किया, और यहाँ जो है ये dy by y का तो dy by dx होता है ना जी, अब हम क्या करेंगे इसको भी इधर ले आएंगे, तो cos स्क्वायर x d स्क्वायर y by dx स्क्वायर तो है ही है, 2 cos x sin x का क्या होता है sin 2x, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, और dy by dx दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसमें से जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यही चीज हमको लाना है वहां पे, 1 plus sin 2x, बाहर में माइनस है, इसमें भी माइनस, ये इधर आएगा तो इसमें भी माइनस, दोनों माइनस में से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो दोनों प्लस में हो गया, ये मेरा हो गया प्रूफ, समझ में आ रही बात। चलिए, ये आपने 3 क्वेश्चन आज का डाउट पूछा था, ये तीनों मैंने क्लियर कर दिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन नेक्स्ट वीडियो में, इसको जब तक छापिए, ठीक है।